हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के कितने बज रहे हैं? अच्छा, रिकॉर्डिंग करते समय स्क्रॉल डाउन नहीं होता? ओ ठीक है, कुछ 5:30, 5:40 के आसपास का टाइम है। एंड बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सुबह है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बाल ऐसे थोड़े कम करके रखो, कितने अच्छे लगते हैं भाई। अभी मतलब ठीक है, फिर भी कैमरा के सामने बैठ जाता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, बाल जब मेरे बढ़ जाते हैं ना, यहाँ का बाल भी यहाँ, यहाँ का बाल भी यहाँ, ऐसा जमूरा लगता हूँ मैं, बीच में टंडा बन जाता है। ओह, चश्मा लाओ भाई, 4K में देखनी है दुनिया। हाँ, तो अपेरेंटली ये सीन आज है, आज की सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट सुबह है, बिकॉज आज हम रेड FM के स्टूडियो जाने वाले हैं रिकॉर्डिंग के लिए। अरे क्या बोल रहा हूँ, इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बड़ी स्वीट थी यार, उन्होंने अप्रोच किया, बताया कि वो ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं। एंड आई पर्सनली वाज क्वाइट एक्साइटेड। मैं कहा ये भी सही है यार, रेडियो शेडियो। तो आज हम जा रहे हैं एंड बता दें दिन भर में क्या हुआ। अरे सुनो 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 सुनो, ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो जब रेड एफएम की टीम ने मुझे कांटेक्ट किया ना, तो मैं रत्ती कौड़ी भर भी एक्साइटेड नहीं हूँ। पर्सनली वाज क्वाइट एक्साइटेड। मैं कहा ये भी सही है यार, पता बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि रेड एफएम से अपने को कोई दिक्कत दिक्कत है, इसके पीछे कहानी है, और वो कहानी है पत्रिका से रिलेटेड। पता है, बीइंग अ फर्स्ट एपिसोड एंड ऑल, तो अभी पता चल रहा है कि हमारे पास इंटरट्यून है नहीं, हम एक इंटरट्यून बनानी थी, दूसरों को लगाएंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। अगले एपिसोड में हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे टू हैव एन इंटरट्यून। अभी के लिए आप लोग ये सुनो। तो ये हम लोग जोसलिन को लेने के लिए आ चुके हैं। नाइस। अब तू मेरा रिकॉर्डिंग कर, मैं तेरा करता हूँ। नाइस। फिर आया ओपे। हाय भैया, व्लॉग बनाओ JT8 क्या है और क्यों है? काफी स्क्रिप्टेड लग रहा है भैया, ये व्लॉग बनाओ JT8 क्या है और क्यों है? अच्छा, अभी तो उधर देख के क्या पूछ रहा भैया, व्लॉग बनाओ JT8 क्या है? तो देखो, व्लॉग बनाओ JT8 का बड़ा सिंपल सा सीन है। टेडेक्स से जब वापस लौट रहे थे तो बहुत गालियां पड़ी, और गालियां पड़नी भी चाहिए थी, क्या है कि टेडेक्स का ना तो वीडियो किसी को दिखा पाए, एंड द सेकंड ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा था कि यार व्लॉग क्यों नहीं बनाया, कुछ तो बनाना चाहिए। मतलब क्या हुआ वहां पे, कैसे रहा, मतलब एवरीबडी वॉज वे टू एक्साइटेड। मतलब पापा मम्मी तो थे ही थे, लेकिन आई थिंक इंस्टाग्राम पे जिस तरह से उसके DMs आए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नाउ इट्स टाइम दैट वी क्रिएट अ व्लॉग। आइडिया 2021 से था व्लॉग का, लेकिन क्या दिखाते, चार दीवारी के अंदर बैठे कुछ होना भी तो चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन अब जब लाइफ में कुछ बहुत भी हो रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करके देखते हैं। ये भी बिल्कुल मत देखना, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, बड़ा फुद्दू व्लॉग है, बट ठीक है, ये है व्लॉग। अच्छा, एक और रीज़न है व्लॉग बनाओ JT8 के पीछे कि मेरे को अपना एक्सट्रोवर्ट साइड को वापस किक देना था। मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, अजीब सा बंदा हूँ, दोनों साइड के बड़े एक्सट्रीम जोन मेरे अंदर है। तो इंट्रोवर्ट वाला जो साइड था वो काफी डोमिनेंट हो गया था पिछले कुछ सालों में, और उसके पीछे का रीजन मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से बताऊंगा, बट वो भी एक रीजन था। और टेडेक्स के बाद जब फील हुआ कि नहीं यार अब व्लॉग बनाने चाहिए, लोग हैं देखना चाहते हैं, तो या दैट्स व्हाई दिस। ये किशन जी हैं। हाय। एंड ही इज द गाय जिसने मेरे साथ बात करी, एंड देन ही सेड दैट वन लाइन कि मैं आपका जूनियर हूं। बोल हो गया। तो वो कैंपियन वाला कनेक्शन है ना, वो हमेशा चलता है। थैंक यू। सो दिस PR वर्क्स। दिस PR डेफिनेटली वर्क्स। हाय पीपल। सो अर्जुन इज इन द हाउस, इन देयर हाउस मैन गाउन। या ही इज इन आवर हाउस बेसिकली। तो ये प्रोडक्शन स्टूडियोज हैं दोनों। एंड दिस इज द ऑनलाइन स्टूडियो। ओके। हाय हाय हाय। देखो लकीली वो क्या गाना बज रहा है। गाना ही तो नहीं बता सकते क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है यार। वो गाना अपना, वो सलमान खान का जोसो, कौन सा गाना है सलमान खान का? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ। लुक एट मी लाइक अ किड, यू नो। क्यों मैं ऐसे देख रहा हूँ इतनी क्यूरियोसिटी के साथ, अपनी मुंडी घुमाए जा रहा हूँ? इज बिकॉज इफ एज अ किड यू वुड हैव आस्क्ड मी कि मैं एक फिल्म सेट जाना पसंद करूँगा या फिर एक रेडियो स्टेशन जाना पसंद करूँगा, आई वुड हैव पिक्ड अ रेडियो स्टेशन
10 on 10 times. I was always so fascinated. यार एक actor को advertisements करने पड़ते हैं, movies बनानी पड़ती है, गाने में नाचना पड़ता है, six packs बनाने पड़ते हैं to get that recognition. और वहीं पे कहीं एक radio रखा होता है या गाड़ी में एक radio चल रहा होता है, एक RJ आता है और अपनी आवाज़ में तो लाइनें बोल देता है and everybody goes quiet. For me, RJs have always been, you know, कि यार एक बचपन का सपना था यार, घर का रेडियो और क्या है. घर के रेडियो में कुल मिला के मैं अपने सामने माइक रख के वही बकबक करने की कोशिश करता हूँ जो शायद मुझे बचपन में बड़ी पसंद आती थी. एंड इट वॉज वेरी स्वीट. आरजे निशी, यू नो, शी टॉट मी एवरीथिंग अबाउट वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं. वो जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं आपको वाले पैनल पे, मेरा जो इंट्रूसिव थॉट्स था कि भैया वो सारे के सारे बटन अगर हम एक बारी में ऊपर कर दें तो कितनी जल्दी आरजे निशी की नौकरी जाती है. बट द थिंग इज, इज ऑल वेरी स्वीट. शी शोड मी हाउ रेडियो स्टेशन वर्क्स एंड आई थिंक समवेयर अलॉन्ग द लाइन दैट किड इन मी वॉज एबल टू सी द इनसाइड ऑफ अ रेडियो शो. एंड वाइल दैट रेडियो शो वॉज गोइंग ऑन, मैं हर चीज़ को लेकर शायद थोड़ा एक्स्ट्रा नर्वस था कि माइक दूर है क्या, पास है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ माइक के साथ पकड़ के वहाँ पे. एंड वाइल डूइंग दैट आई सॉ एंड आई मेट दिस गर्ल जिसने मुझे एक बहुत प्यारी सी अपनी पोएम दिखाई और उसी के साथ मुझे सूर्यांश के साथ एक वीडियो कॉल करने का मौका मिला. कौन सूर्यांश? ये वो लड़का है जो मेरे को तब से फॉलो कर रहा है जब मेरी अपनी फिलॉसफीज करके मैं कहानियों की सीरीज़ लेकर आता था जहाँ मैं बत्तियाँ देता था. ये वो लड़का है जो यार इज बीन सपोर्टिंग मी सिंस सो सो लॉन्ग एंड आई लव हिम. यार इसने बोला था कि हमको जस्टिन भैया चाहिए एंड जस्टिन भैया आए. नाउ टू द लेगो स्टोरी. हमें लेगो मिल रहा है कहानी लिखने के लिए. ये सॉफ्ट लेगो है यार. या नहीं, दिस इज, दिस इज वेरी हैंडी. यू कैन कैरी इट एनीवेयर एनी टाइम है ना. तो मैम, सो कोई डैम पे जाके लिखना है ना. यू वांट टू गो ऑन द रिसॉर्ट एंड अ पूल साइड, यू वांट टू राइट समथिंग, यू कैन राइट इट नाउ. इतना बजट होकर लेकिन मैं जाके करूंगा. वो बंद तो जा ही सकते. चलो चलो. Free endorsement. जिंदगी का पहला इंटरव्यू फ्री एंडोर्समेंट. मैं बचपन में लेगो के साथ खेलते थे, है ना. आज एक लेगो की डायरी मिली. मैं पता है इतना बेशरम हूँ, मैं उनके सामने ऐसे करने वाला था, मेरे को देख रहा है. नहीं उन्होंने बुलाया, उनको क्या लगेगा. अच्छा, ये पूरी किस्से कहानी शुरू होने से पहले मैंने यहाँ पे बोला था कि जब उनका फोन कॉल आया था तब मैं तो एक्साइटेड नहीं था, पर फिर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था. वेल, ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ वन वियर्ड सी स्टोरी ऑफ पत्रिका. वेल, फनी सी दूसरों के लिए, मेरे लिए तो ट्रॉमेटिक थी स्टोरी कुछ ऐसी. तो आज से कुछ दिन पहले मुझे एक बंदे का फोन आया और उसने मुझे बताया दैट वो कंटेंट को काफी एंजॉय कर रहा है, रेड एफएम की टीम की तरफ से बात कर रहा है करके. और मेरे अंदर रत्ती कौड़ी भर की एक्साइटमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? आज से करीबन मतलब अपना अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का वो अच्छा अच्छा चलने लगा है, 100K वगैरह सब क्रॉस हो चुके हैं. तो मुझे पत्रिका की टीम की तरफ से एक ने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया था. तो उन्होंने काफ़ी बात बात करी और फिर उन्होंने ये भी बताया कि यार वो कंटेंट उनको काफ़ी अच्छा लगा, आई एम डूइंग रियली गुड, ऑल द बेस्ट. तो मुझे वाइब आ गई कि भाई पत्रिका की तरफ से है, मतलब न्यूज़पेपर में कुछ छपने आ. भाई यार अच्छा तो लगता है ना, छोटे शहर से न्यूज़पेपर में कुछ आएगा तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ होता है कि नहीं नहीं अच्छा कर रहे हैं, हो जाएगा करके. फिर उनका वहां से मैसेज आता है कि डू यू नो एनी ट्रैवल व्लॉगर फ्रॉम भोपाल, क्योंकि आप तो मतलब इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लोग का कुछ सर्किट होगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल व्लॉगिंग पे एक स्पेशल करना चाहते हैं. अरे तो मेरी एक्साइटमेंट की जो धज्जिया उड़ी उस टाइम पे. तो जब इन्होंने बताया कि रेड एफएम की टीम्स की तरफ से, मैंने कहा हाँ हाँ, किसी का नंबर निकलवाने के लिए होगा. बट देन उन्होंने कहा कि इंटरव्यू होने का, तो आई वाज लाइक जेन्युइनली क्वाइट एक्साइटेड. ये थी पत्रिका वाली स्टोरी. और भी स्टोरीज हैं, वो भी करेंगे. पता है एक रेडियो की स्टोरी है, वो आई विल टेल ऑल ऑफ दैट इन द सेकेंड एपिसोड ऑफ घर का रेडियो. डन. मैंने पहले से सोच के रखा है, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी. बाकी यार इंटरव्यू के बाद हम दोनों ठल्ली हो चुके थे, हमारी आंखों से पता चल रहा था. तो हमारे भोपाल में एक बहुत प्यारा सा मॉल है जिसे कहते हैं DB मॉल. हमने गाड़ी सीधे सीधे वहाँ पे घुमाई, वो सबसे पास में था. और वहाँ के टॉप फ्लोर में एक फूड कोर्ट है, ये एक्स्ट्रा जूम्ड इन फुटेज के साथ जोसलिन ने ऑर्डर किया था पारमेजॉन. अरे यार मैं पेप्सी पर खुश था भाई. अब देख,
अरे हर चीज रिकॉर्ड नहीं करनी होती है, बट द पॉइंट इज कि उसके बाद हमारी गाड़ी जो थी वो सीधे सीधे निकली घर की ओर, लेकिन उतने में मम्मी का मैसेज आया। मम्मी ने पूछा कि क्या हम उन्हें स्कूल से पिक कर सकते हैं। हमने कहा ऑफ कोर्स, मतलब क्यों नहीं, एक इंटरव्यू दे के ही तो आ रहे, कौन सी बड़ी बात। माँ माँ होती है गाइस। एंड देन वी वेंट पिक हर अप। घर पहुँचे तो चाचू चाची ने पूछा कैसा रहा, वो भी बहुत एक्साइटेड थे, हमारे आँखों में नशे दिख रहे थे उन्हें। But this was how the day went, because now it was time कि जिस दिन ये पूरा रेडियो इंटरव्यू लाइव आया, let me take you to that day. Hello G, so today is the big day, because आज अपन रेडियो पे आने वाले हैं. But here's the funny thing, पुराने टाइम पे हर फोन में रेडियो होता था इनबिल्ट, आजकल ऐसा नहीं होता है. और ये बात मुझे अपने इंटरव्यू के 15-20 मिनट पहले पता चल रही है. तो अभी हम ये ढूंढ रहे हैं कि सुनना कहाँ पे रेडियो, रेडियो सुनने की एक ही जगह कार पर. मैं चाह रहा था यार कुछ अपने घर के अंदर कुछ यंत्र वंत्र हो जिसमें सुना जाए, लेकिन अभी तो कार में बैठ के सुनेंगे. तो कुल मिला के क्यों रेडियो कौन हटाता है फोन से. इट इज हार्डली 8 मिनट टू गो और हम लोग यहाँ पे गाड़ी जो है घर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहाँ सुनेंगे नहीं तो रेडियो. तो गाड़ी को हम घर के अंदर ऐसे डाल रहे हैं, पापा से कह रहे हैं कि पापा ये वाली गाड़ी को थोड़ा पीछे वीछे कर दो कुछ, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है. और एंड मतलब यार जिंदगी में चाहे पेपर की तैयारी कर रहे हो चाहे जिंदगी में पहला इंटरव्यू सुन रहे हो, सब ऐसे लास्ट मोमेंट में भगना होता है हमें. कितनी मेहनत हो रही है एक रेडियो सुनने के लिए हमारे घर में. क्या बेवकूफ लोग है, रेडियो को हटाता है फोन से. बजाते रहो चिकबम 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 रेडिंडी स्पेस सुनो इल्तिजा बाय क्षितिज तारे चिकबम 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 चिकबम. One eternity later. Getting seat in B Pharma and D Pharma at Sam Global University. And जी, तो मैंने बोला था. क्योंकि आज जो Saturday का दिन है, वहाँ पे बेले होने के लिए निशि के साथ कोई special जुड़ने वाले हैं. पूजा वेला, पूजा वेला, पूजा वेला, पूजा वेला, पूजा वेला, पूजा वेला. 93.5 Red FM फिलहाल आपने ट्यून इन कर लिया है और आप सुन रहे हो वेलाबंदी.com पर भोपाल की सबसे बड़ी वेली निशि को जो कि 12 से 3 वेलाबंदी का तोड़ना जमाती है. लेकिन फिलहाल निशि के साथ स्टूडियो में है जस्टिन जो कि इंस्टाग्राम पे नॉट सो वेलाबंदी का अड्डा जमाते हैं. मतलब जस्टिन इज अ फिक्शनल स्टोरी टेलर. एंड सबसे पहले तो हाय जस्टिन. आपको शो के बाद दूंगी. अच्छा तो जस्टिन एक फिक्शनल स्टोरी टेलर है. तो जस्टिन जो लोग फिलहाल हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है. हाउ वाज इट पॉसिबल, क्या आपको कभी किसी ने इंस्पायर किया हो या कुछ ऐसी आपकी जर्नी हो कि इसकी शुरुआत जब आपकी पहली इंस्टाग्राम की वीडियो आई होगी कैसे हुई, कैसे हुई? वेरी क्यूरियस. सो देयर आर एक्चुअली टू स्टार्ट्स टू दिस स्टोरी. सबसे पहला जो है दैट इज व्हेन आई वाज इन फोर्थ एट दैट टाइम मैंने एक कहानी लिखी थी. राइट एंड आई हैड नो क्लू कि ऐसा कोई करियर एग्जिस्ट करता है टू राइट एंड ऑल. और तब कुछ नहीं, वहां वो लिखा और बंद करके ऐसे सब एनीहाउ चला गया. बट देन लाइफ हैपेंड एंड वो वाला एक चस्का था कि इंजीनियर बनना है तो आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वाली वो दौड़ में चले. ट्राइड अ लॉट ऑफ करियर, लाइफ इज अ रेस और मैं भाग रहा था. बट एनीहाउ दैट रेस इवेंचुअली वेंट ऑल टिल कॉलेज. कॉलेज में भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, कॉलेज भी खत्म हो गया. एंड देन इन 2020 आई इवेंचुअली डिसाइडेड कि मेरे को अपना एक पैशन फॉलो करना है. दैट वाज प्रैक्टिकली कि अपनी किसी फिलोसफी, मैं बहुत सारी बत्तियां देता रहता हूँ तो उनमें से एक मतलब लाइक आई कॉल देम एज माय फिलोसफीज. तो उनमें से किसी एक फिलोसफी को लोगों को मैं कहानी के थ्रू देना चाह रहा था. एंड दैट्स हाउ आई ड्रॉप माय फर्स्ट वीडियो. वीडियो वीडियो थर्ड वीडियो पे मेरे चाचा ने, माय डैड हैज 3 ब्रदर्स सो पापा चाचा छोटे चाचा, छोटे चाचा दिल्ली में. तो उन्होंने एक कमेंट लिखा कि भाई नहीं तू तो स्टोरी टेलर बन गया. एंड दैट वाज क्रेजी. मेरे को एनिमेटर बुलाया गया, सीईओ बुलाया गया, कोडर भाई साहब बुलाया गया, बट स्टोरी टेलर है. तो किसी ने
एकदम बयां कर दी वहां पे आ गई. और वो मतलब जो अभी रिएक्शन मैंने देखा जस्टिन का, इट वाज लाइक किसी ने इनके दिल की मतलब कोई दबी सी आवाज हो कि हाँ मुझे यही बनना है, किसी ने वो उसको जोर से पता है बोल दिया है. देखो जस्टिन के साथ ब्रेक के उस पार हमने और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल आपको कहीं नहीं जाना है, ऋषि के साथ यहीं पर बने रहना है. दैट इज ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम, पर जाते रहो. पहला सेगमेंट ओके. तो फर्दर जो हमारी रिकॉर्डिंग होने वाली है उसको हम लोग गाड़ी में बैठ के सुनेंगे, बिकॉज मम्मी का फोन आ गया दैट उनकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है. हम मम्मी स्कूल जा रही हैं, हम सारे वेले घर पे बैठे हुए हैं, तो मम्मी को लेने के जा रहे हैं और कार में रेडियो बज रहा होगा एंड वी विल बी इवेंचुअली रिकॉर्डिंग. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जस्टिन ने कहा कि उनके चाचा ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि जस्टिन के दिल में एकदम बात छू गई कि यार तू तो स्टोरी टेलर बन गया. तो जस्टिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब तो चाचा का रिएक्शन आ गया था आपके पास, लेकिन जब आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को पता चला कि अच्छा जस्टिन इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? टू बी वेरी फेयर, पेरेंट्स बहुत से ज्यादा डर गए थे. मम्मी तो मतलब क्या है कि शी इज अ केजी टीचर, तो मम्मी के आसपास में यूथ वगैरह रहते हैं, राइट? सो वो सीन था. पापा को लग रहा था कि ये लड़का पागल हो गया. इट वॉज राइट, बिकॉज मैं अपनी पूरी जिंदगी एक आई टी नर्ड रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ. मैं बाय द वे 2020 में खुद का अपना एक ऐप बना चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ, बैक एंड फ्रंट एंड डेटा बेस सब कर चुका हूँ. पापा के साथ जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि इसकी इतनी सैलरी लग सकती है, और ये गधा सारी जॉब छोड़ के कंपनी बंद करके कहानियां सुना रहे हैं इंस्टाग्राम पे दुकान खोल के बैठा है, और उस टाइम पे पता भी नहीं करके आ रहे हैं करके, राइट? तो घर वाले पूछ रहे हैं कि ये जो कर रहे हो वो क्या, और एट दैट टाइम जो मैं स्टोरी टेलिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो वी सर्च ऑन इंस्टाग्राम, और उस टाइम पे कोई इस तरीके से कॉन्टेंट नहीं बना रहा है. इट्स आइदर अ पॉडकास्ट या फिर कहते थे कि आप राइटिंग लिखो और बॉलीवुड में जाके कहानियां लिख दो. मैंने कहा नहीं, इसके बीच का कुछ चाहिए मुझको. सो दैट वॉज वेरी वियर्ड. काफी डरे हुए थे घर वाले, एंड उनका डर काइंड ऑफ 2021 तक तो अच्छे से चला. 2021 में थोड़ी सी मैंने मतलब किसी ने एडवाइस दी कि यार आवाज को बेचती क्यों नहीं हो, थोड़ा बेचने के लिए निकले, दैट वाज ठीक ठाक. बट देन नवंबर में व्हेन आई टुक द डिसीजन ऑफ 270 डेज का मैंने एक चैलेंज लिया. आई सेड कि मैं सारा क्लाइंटेल वगैरह सब कुछ छोड़ के आई वांट टू कंप्लीटली फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग. एंड इंस्टाग्राम की बात कर ली तो जस्टिन की इंस्टाग्राम की स्टोरी के बारे में बात करेंगे ब्रेक के उस पर, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है. ब्रेक के उस पर आज के जमाने के सारे सुपर हिट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं मत जाओ, ऋषि के साथ यहीं पर बनी रहो. दैट इज ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम. आप लोगों के कान तो ऐसे खड़े हो गए, एकदम राम बाण, एकदम संजीवनी बूटी मिलने वाली आप सबको इंस्टाग्राम की एल को समझने के लिए. लेकिन फिलहाल ऋषि के साथ जस्टिन वेले हो रहे हैं. जस्टिन, इंस्टाग्राम का जिक्र आपने कर दिया है, लोगों के कान आपने थोड़े से खड़े कर ही दिए, तो बताइए जरा, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने एक गोल लिया था कि मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, मेरी रीच इतनी होनी चाहिए, वो क्या था प्लीज? सो दैट हैपेंड इन द नवंबर ऑफ 2022. और इसके पहले का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद स्टोरी टेलिंग, मैंने बताया मैं अपनी फिलॉसफीज को कहानियों के थ्रू लेकर के आ रहा था, तो दो तीन महीने के बाद मेरी जो छाप है इट वाज नॉट ऑफ अ स्टोरी टेलर, इट वाज ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वहां गड़बड़ हो गया, बिकॉज अपने को बनना कुछ है, बन कुछ और रहे. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं है, तो थोड़ा तो वहां पे फिर देन आई स्टार्टेड विद फिक्शनल स्टोरी टेलिंग. ठीक है, अब टिल दैट टाइम आईजीटीवी अच्छा कर रहा है, लंबा फॉर्मेट का कॉन्टेंट इंस्टाग्राम पे गुड,
फिर टिकटॉक बैन हो गया, हाँ। फिर रील्स आ गए, हाँ। तो आईजीटीवी गया, 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 गया। पूरा तो बाय द एंड ऑफ 2020 आई काइंड ऑफ रियलाइज कि यार कुछ या तो हटके करना पड़ेगा विद रील्स या फिर समथिंग समथिंग। 2021 में इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टू रील्स, वो ठीक ठाक चल रही थी बट वो भी फिर धीरे धीरे गई, ठीक है। 2021 के बीच में मुझे किसी ने बोला यार आवाज भेज दे, मैं आवाज भेजने चला गया, तो इवेंचुअली वहां से पैसे आने लग गए। अब जब पैसे आने लगते हैं ना तो थोड़ा दिमाग ऐसे भरा जाता है कि पैसे तो आ रहे हैं ना, तो थोड़ा वहां पे डाइवर्ट हो गए, तो स्टोरीज पे थोड़ा कम फोकस हो गया, पेज पे थोड़ा कम फोकस हो गया इन 2022। अब यहाँ पे अपना टाइमलाइन आ जाता है, अक्टूबर में आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे थे, मैंने लोगों से बोल दिया 270 दिन तक चलने के पैसे हैं, झूठ था, 90 दिन के पैसे थे मेरे पास, दैट इज जनवरी का एंड। एंड मैंने वो पैसे पूरी तरह से, मैंने मतलब सारे क्लाइंट्स छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, मैंने लोगों से कहा जितना कुछ है मैं सब इन्वेस्ट करके जा रहा हूँ। एंड I started off with a challenge कि 270 दिन में कैसे भी करके 25 के अगर हो जाए तो, फिर जो हुआ वो हुआ and the rest is history। अगर आपने अभी तक ये history witness नहीं किए तो Justin मिलेंगे आपको Instagram पे, किस नाम से मिलेंगे Justin? JTA.thestoryteller। हाँ जी, तो storyteller की profile जाके check कर लो, और check करते करते break के उस पर आज के जमाने के super hits enjoy कर लो, Red FM बजाते रहो। इनकी आवाज है वो है इतनी सुरीली फिलहाल तो super hits 93.5 Red FM आपने tune in कर लिया है। भोपाल की सबसे बड़ी वेली ऋषि को जो की 12 से 3 यहाँ पे बैठ के अड्डा जमा रही है, और साथ में जस्टिन का भी अड्डा जमवा रही है। अच्छा जस्टिन, मजा वजा आ रहा है कि नहीं? काफी ज्यादा, दिस इज मेरा पहला इंटरव्यू तो ये कुछ अलग है। अच्छा जस्टिन, अब आप एक क्रिएटर हैं, अच्छा खासा आपकी दुकान चल रही है, तो ऐसे आपको देख के और भी लोग जो की दुकान खोलना चाहते हैं, मतलब जो क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, जो अस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, स्टोरी टेलर्स नहीं भी है तो कोई कॉन्टेंट क्रिएटर है, कुछ ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाते हैं, तो उनके लिए जस्टिन की एक प्रो टिप या एडवाइस क्या होगी? तो दो तरह के लोग हैं, एक जो ट्रेंड पे चलना चाहते हैं और ट्रेंड के थ्रू मतलब अपनी दुकान लगाना चाहते हैं, ग्रेट, जिसको वैसे करना है उसको करने के 100 तरीके हैं। मैं एडवाइस उनको देना चाहता हूँ जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, जो वो कर रहे हैं जिसको इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम या यूट्यूब का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमेडी नहीं बनाता, खाने से रिलेटेड नहीं बना रहा, ना डांस कर रहा हूँ ना कुछ, तो क्यों मुझे भाव देगा इंस्टाग्राम, राइट? बहुत सिंपल सा एडवाइस है, आपका काम अगर अच्छा है और वो बिक नहीं रहा तो बेचने का तरीका बदलो। मैं कहानियां बेच रहा था लेकिन लंबा कहानी जो था वो नहीं बिक रहा था। मैंने क्या किया, एक लंबी कहानी को ब्रेक कर दिया रील्स के फॉर्मेट में, और क्या बोल दिया, 6 पार्ट में सुन लो, लोग आके बिल्कुल सुन के चले गए। वही कहानी जब मैं लंबे में सुना रहा था लोग नहीं सुन रहे थे, तरीका बदला पर कहानी वही है। वैसे ही करके आज के टाइम पे रील्स बहुत ज्यादा एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी टाइप का एक एरिया है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, बट थिंग इज की यू हैव टू अंडरस्टैंड रील्स आपको मौका देगा, आज नहीं देगा कल। मैं 2.5 साल वेट किया हूँ, राइट, आफ्टर 2.5 ईयर्स आई गॉट दैट ब्रेक, बट इस 2.5 साल में अगर कोई तरीका वर्क नहीं कर रहा, अपनी इंडिविजुअलिटी को मतलब गायब मत कर देना, तरीका बदलो, करेक्ट, तरीका बदलो चीजें बदलेंगी, इट विल हैपन, तरीका बदलो चीजें बदलेगी, इतनी अच्छी टैगलाइन जस्टिन ने दे दी है। सो अगर आप कोई स्टार्टअप करने वाले हैं और ऐसा कुछ ऐप है तो आप इनकी टैगलाइन यूज कर सकते हैं और जस्टिन को ना क्रेडिट दे सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे जस्टिन जो आपने एडवाइस दी जेन्युइनली इतनी अच्छी एडवाइस है, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर जो मेहनत होती है ना आपकी, वो आपकी मेहनत होती है, और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ना, सो भले ही उसका जो फल है जैसा हम बोलते हैं वो देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, exactly. अगर सच में आपने मेहनत करी है तो। सो जो मेहनत थी जस्टिन की तो वो रंग ले आई, सबको दिख रही है, एंड जस्टिन में फिलहाल मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको सुनाई दे रहे हैं। अगर आपको जस्टिन को देखना है तो इंस्टाग्राम पे आप जाके जस्टिन से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गाइस ये बातों के जवाब आपका देंगे, और जस्टिन इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे। और फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिल करे तो आना, कहानी सुनना फिर चले जाना, पसंद आए पापा मम्मी को सुनाओ, भाई बहनों को सुनाओ, नहीं अगर कोई बंदा या बंदी आपके प्रोग्राम में पहुंच गई ना तो वो फॉलो बटन चिपकाए भी ना जाएगी। ये मेरी एकदम अंदर से जो आ रही है ना वो ये है कि जो आवाज इतनी प्यारी, ऊपर से कहानियां इतनी प्यारी, मतलब
आपको बार बार देखने का मन करेगा तो मैं, जाओ। मैं बटर में लपेट चुका हूँ खुद को। कंपनी बाद में बताऊंगी कौन सी था। चलिए फिलहाल तो जस्टिन को आप ढूंढ सकते हैं, जस्टिन के नाम से मिल जाएंगे स्टोरी टेलर J.Story@JT8.TheStoryTeller। आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है। लेकिन मेरा नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड नाम है आर जे ऋषि के नाम से मिल जाऊंगी मैं आपको, आर जे एन आई ऐसे चार बराई के नाम से मिलूंगी। वहां पे आओ, फॉलो बटन चिपकाना, हाई शाय बोलना मत भूलना। फिलहाल तो ब्रेक के उस पार आज के जमाने के सारे सुपर हिट्स एंजॉय कर लेना। रेड एफएम बजाते रहो। द वियर्डेस्ट थिंग इज ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं ये डेढ़ डेढ़ मिनट के सेगमेंट होते हैं और रेडियो के एक लिमिट होती है कि डेढ़ मिनट के अंदर आपको कवर करना होता है। मैं तो बक बक करने वाला बंद मैं बोलते जा रहा हूँ बट दे डिड नॉट कट एनीथिंग, उन्होंने लिटरली पूरा पूरा सेगमेंट रखा है। टू रेड एफएम थैंक यू सो मच यार। ये है जो मैं डाल नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं नहीं फाइनल ब्लॉग में देखोगे आप लोग। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। क्यों ऐसे क्यों होता है? ऐसा ही होता है। किसने बोला था स्कूल जाने के लिए? घर बैठे ऐसा थोड़ी होता है। बोले जब सो जाएगा कौन मैं तो इसके फोन खोल के मुझे दिखा। वो सर फेस आईडी होता है।